हाय गाइस, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेलमेट के लिए वायरलेस हेडफोन्स जो कि आपके हेलमेट के अंदर प्रॉपर फिट हो जाएंगे, जिसके अंदर हमें माइक मिलेगा जिसमें हम वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं और भी कई सारे फीचर्स हमें मिलते हैं जिसके अंदर हम अपने म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो ये है एक छोटू सा हेडफोन्स कॉल रिसीव करने के लिए एक डिवाइस, छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें कि हमें RGB भी मिलता है। यहाँ पे ये कंट्रोल है ब्लूटूथ के लिए, कनेक्ट कर सकते हैं बटन दबा करके आप कनेक्टिविटी, और यहाँ से मैन्युअली आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और बाकी अंदर के फीचर्स हम यूज करके देखेंगे, बाकी यहाँ पे जो मेंशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। कॉल रिसीव करने के लिए है, वायरलेस है, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है इसकी, म्यूजिक सुन सकते हैं, वाटरप्रूफ IPS6 है, हाई क्वालिटी इसका फ्रिक्वेंसी माइक्रोफोन है, एंड्रॉयड iOS जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहें ब्लूटूथ से वो कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल पे आप बात कर रहे हैं तो नॉइज वगैरह जो रोड की नॉइज होती है सुनने वाले को नहीं सुनाई देगी, तो यानी रिडक्शन भी है इसमें। मॉडल नंबर है C5 और 40 घंटे का इसका टाइम है प्लेबैक टाइम, और चार्जिंग टाइम है इसका 1.5 आवर्स, एंड वाटर प्रूफिंग IPX6, इम्पीडेंस है इसका 32 ओम, इनपुट है 5 वोल्ट, बैटरी 1000 mAh, फ्रिक्वेंसी रेंज 20 kHz। ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है Amazon से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर उसके बाद इसको हेलमेट में फिट करके भी देखेंगे, सुनेंगे तभी बेस वगैरह जैसा है। बाकी मैं अपना रिव्यू आपको दे दूंगा कि किस तरीके का वॉइस इसमें हमें रिसीव हो रहा है, बेस कैसा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको यूनिट मेन यूनिट दिखाई देता है, इस मेन यूनिट को हम बाहर निकाल, यहाँ से माइक को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, प्लस माइनस वॉल्यूम, RGB लाइट का बटन, और ये ब्लूटूथ के लिए सी टाइप कनेक्टर और लगेगा आपको। ये लॉक बने हुए हैं जो कि आपके हेलमेट में फिट होंगे। चीज़ें देखते हैं, इसको दबा के देखते हैं ये इसमें बैटरी है क्या। हाँ, ये ऑन हो चुका है। ब्लूटूथ से कनेक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए ये RGB लाइट, मतलब अलग अलग कलर आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कलर इसमें पसंद आए। ओके, होल्ड रखने पे ये अलग अलग कलर हमको देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये रात को काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लगने वाला है। ठीक है, बंद हो चुका है। और यहाँ पे हमको कुछ और भी है, ये क्या चीज़ है। ओके, ये आई थिंक माइक के लिए होगा और ये आपका चार्जिंग के लिए है, यहाँ से हम चार्जिंग कर सकते हैं। और ये इसको वाटर कवर करने के लिए है, इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से हमारा माइक कनेक्ट होगा। ओके, इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स में अंदर चलते हैं और हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये इसकी क्लिप है जो कि आपके हेलमेट में लगने वाला है, ये कुछ इस तरीके से आपके हेलमेट के अंदर चला जाएगा, ये जो पोर्शन है ये बाहर रहेगा और कुछ इस तरीके से ये आपके हेलमेट के अंदर ये लॉक इसमें फिट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पोर्शन जो है वो आपके हेलमेट के अंदर चला जाएगा। ये इसकी चार्जिंग केबल Type-C, और ये इसके स्पीकर्स और माइक दोनों ही इसके अंदर हैं। और इसमें ख़ास बात क्या है पता है, इसमें हमें दो माइक को मिलते हैं, एक हमारा ये हार्ड वाला है यानी कि कैसे भी आप इसको फ्लेक्सिबल है, जहाँ को आप चाहें वहाँ को मोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें एक ये माइक मिलता है, ये भी छोटू सा है और ये जहाँ तक है हेलमेट के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम इसे यूज़ कर पाएंगे। ये आपको दो छोटे छोटे स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी, अभी हम बोल नहीं सकते कि किस तरीके की होगी, ये चेक करके पता लगेगा, वेटेड तो हैं काफ़ी। ये आपका लगेगा नीचे वाले कनेक्टर में कुछ इस तरीके से। ओके, और क्या निकलता है, ये सारे स्टिकर्स और हेलमेट के अंदर लगेंगे ये सब चीज़ें, जिससे कि आपका स्पीकर्स जो है वो इसमें ये कुछ इस तरीके से इजीली आप इसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कभी आपको हेलमेट धोना है या कुछ भी करना है तो ये कुछ इस तरीके से आपका रिमूव भी हो जाएंगे स्पीकर, और स्पीकर्स को आप अलग कर सकते हैं। और ये इसके पीछे
ग्लू है, इस स्टिकर को आप हटाएंगे और इसको दोनों साइड से हम चिपका देंगे अपने हेलमेट में। अब हम इसे अपने हेलमेट में फिट करके देखते हैं। चलिए अब हम अपने एक्सोर के हेलमेट में हेलमेट हेडसेट को प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। उसके लिए हमें हेलमेट के सेफ्टी पैड को रिमूव करना होगा। हम सबसे पहले राइट साइड में डबल साइडेड टेप को हटाकर स्पीकर की जगह पर इसको चिपका देंगे। एक्सोर के हेलमेट में ये खास बात है कि वो अपने हेलमेट में स्पीकर का स्पेस पहले से ही देते हैं। अब हम अपने लेफ्ट साइड में भी स्पीकर की जगह पर उसे प्रॉपर चिपका देंगे। अब आ रही है डिवाइस की क्लिप को हेलमेट में सेट करने की। क्लिप के नीचे डबल साइडेड टेप को प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे ताकि क्लिप आपके हेलमेट के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा पाए और जल्दी से हेलमेट से ना निकले। उसके लिए मैं एक यूएसबी केबल की मदद ले रहा हूँ क्योंकि क्लिप काफी हार्ड है और डबल साइडेड टेप चिपकाने में काफी परेशानी हो रही थी। दोनों टेप अच्छी तरीके से क्लिप में सेट हो चुके हैं। अब बारी है क्लिप को हेलमेट में सेट करने की। ओके, क्लिप भी हेलमेट में सेट हो चुकी है। अब हम राइट साइड के स्पीकर को हेलमेट के पैड के नीचे से ले जाएंगे ताकि वायर आपको डिस्टर्ब ना करे और हाइड रहे। अब बारी है माइक को फिक्स करने की। माइक भी हमने सेट कर दिया है। डिवाइस को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो हम टाइप सी कनेक्टर को भी लेफ्ट साइड की तरफ ही रखेंगे ताकि हम आसानी से डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकें। अब हम क्लिप को और हेलमेट के बीच में एक बड़ा सा पैड और रिसीव हुआ है हमें, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से चिपका देंगे। अब बारी है डिवाइस को क्लिप के साथ अटैच करने की और लॉक करने की। डिवाइस के साथ हमने स्पीकर माइक दोनों को ही कनेक्ट कर दिया है केबल के साथ। अब बारी है डिवाइस को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने की ब्लूटूथ के माध्यम से। C5 मॉडल नेम है, कोई भी अपना मनपसंद म्यूजिक चलाकर आप वॉइस को चेक कर सकते हैं। अब बारी है वॉइस को चेक करने की कि वॉइस की क्वालिटी क्या है हेलमेट के अंदर। मुझे बहुत अच्छी लगी वॉइस में कोई खराबी नहीं है, बेस भी काफी अच्छा है। अब आप ही सुन के देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।